नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुदेश रतेरिया। आज हम आए हैं शिवानी के वार्ड नंबर 5 में और यहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिला है। आप अपने आँखों से देखो और इनकी ज़ुबान से सुनो कि हम किस पेशेंट को हमने ये दवाई आई पल्स दिया था और कितना ज़बरदस्त रिजल्ट मिला है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? पल्ले राम। पल्ले राम, शिवानी है ये? शिवानी। कौन सा वार्ड नंबर है ये? 5। वार्ड नंबर 5। ये आपका क्या नाम है जी? बल्ला। बल्ला, तो क्या दिक्कत थी आपको? पेशाब की थैली में गांठ थी। अच्छा, ये रुकी पड़ी थी। अच्छा, तो क्या बताया था डॉक्टरों ने? कैंसर। कैंसर बता रखी थी, तो आपको उसकी वजह से क्या क्या दिक्कत आ रही थी? बढ़िया दिक्कत आ रही थी। जैसे थोड़ी बहुत बताओ। पेशाब की थैली में गांठ थी, लीवर पर भी गांठ हो गई थी, हाथों पर भी, गिट्टी पर भी। अच्छा अच्छा अब आराम से। अब कितना आराम है? बहुत आराम से। और कैसे आराम हुआ? आपने क्या क्या लिया है? ये बोतल पी। कौन सी बोतल है ये? अच्छा अच्छा, ये बोतल ले रहे हो? तो ये कितनी बोतल पी ली आपने? ये तीसरी है। तीन बोतल पी ली? ना, दो पी ली। दो पी ली। अच्छा, अब जैसे कैंसर की वजह से आपने जिस तरह बीकानेर इलाज करवाया था, तो उससे कोई आराम नहीं था? ना, कोई आराम नहीं। तो एक और चीज़ आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि आपकी गांठे भी थी। कहाँ पे थी गांठे? गिट्टिया पर। अच्छा, ये गांठे, ये ऑटोमेटिक ठीक होगी? अच्छा अच्छा, तो अब जैसे पेशाब के अंदर आपको खून वगैरह आया करता, अब बिल्कुल नहीं आता? मैं 2 दिन आया था, फिर को नहीं। ये दवाई शुरू करने के बाद 2 दिन बाद ही बंद हो गया था? हाँ। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये डॉक्टर संजय हैं जी मुंडाल से, ये इनकी सिस्टर है और ये ही इनको आई पल्स दे के गए थे। डॉक्टर साहब, कितने दिन पहले दे के गए थे आप? ये जी 1 महीना पहले दे के गए। अच्छा अच्छा, तो डॉक्टर साहब बहुत मतलब खुशी की बात है कि इनको इतना एक नया जीवनदान मिला है। और बिल्कुल मिला है जी। हाँ, तो ये डॉक्टर रमेश जी हैं तो शाम से। तो डॉक्टर साहब, आपका भी एक्सपीरियंस? हाँ। पेशेंट ठीक हो गया ये? हाँ जी। और ये है जी इनके हस्बैंड, क्या नाम बताया था सर आपने? पल्ले राम। पल्ले राम। पल्ले राम की एक खास बात और है जी, जैसे हम देने के लिए आए तो ये मना करके थे बिल्कुल, भैया मरेगी तो मर जाएगी, हमें नहीं देंगे, क्योंकि ये काफ़ी तंग आ चुके थे इनकी बीमारी को लेके। तो अब आप बोलियो जी, ठीक हो गए आप? हाँ ठीक सर। हाँ, कितना मतलब खुशी हो रही होगी अब तो पेशेंट ठीक हो गया आपका? खुशी तो हो ये। हाँ, तो अब आगे किसी और भी मरीज को देंगे तो आप बताओ फिर, देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए। हाँ, फर्क होगा तो देनी चाहिए। चलो ठीक है जी, ये बाला देवी है तो और मरीजों को भी हम देंगे। और काफ़ी खुश दिखाई दे रही है, अपने आप चलने फिरने लग गई, सारे काम करने लग गई, अब सांस भी नहीं चढ़ रहा इनको, ऐसा ही है ना? हाँ, ना कंट्रोल। चलो ठीक है जी, थैंक यू।